हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो डी ब्लॉक के ऑक्साइड एंड हैलाइड से रिलेटेड है। तो देखो, वेरी सिंपल है ट्रिक। पॉइंट नंबर वन कि आपको सबसे पहले इसके ऑक्साइड या हैलाइड में डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और वो कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 लेना है, एक हैलोजन का -1, और उसके बाद चार्ज बैलेंस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल Mn2O7 में मैंगनीज का निकालना हमें, तो मैंगनीज 2 है तो 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन है तो -14 = कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 7। डैट मीन्स यहाँ पे मैंगनीज आपका किस में, एक मैंगनीज +7 में। सिमिलरली अगर हैलाइड में निकालना हो, जैसे CrF6 दिया हमने तो क्रोमियम का नहीं मालूम है तो x, फ्लोरीन का हैलोजन का माइनस लेना है तो -1 × 6 है तो 6, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं, तो x कितना आ जाएगा, 6। तो सबसे पहले उसके ऑक्साइड या हैलाइड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। उसके बाद अगर डिफरेंट ऑक्साइड है वन एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्साइड आपको गिवन है, तो आप फर्स्ट पॉइंट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्जर्व करना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो ये चार चीज़ें इंक्रीज होंगी, कौन कौन, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगा, वोलाटाइल करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों, देखो एसिडिक करेक्टर तो इंक्रीज होगा ही, कोवलेंट करेक्टर क्यों, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ेंगे, राइट, फजांस रूल से। हाइड्रोलिसिस, जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वोलाटाइल भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आयनिक करेक्टर कम होंगे जब कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो इसलिए। और इसको याद रखना भी ईजी है, देखो एसी को हाई बोलो मतलब एसिडिक, कोवलेंट, हाइड्रोलिसिस, वोलाटाइल सब इंक्रीज होंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो। एक और पॉइंट कि चूंकि ये मेटल के ऑक्साइड हैं, राइट, तो नेचर में तो ये बेसिक होंगे लेकिन धीरे धीरे इसमें एसिडिक करेक्टर आएगा, तो इसलिए स्टार्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होंगे, बीच वाले एम्फोटेरिक होंगे, और उसके बाद लास्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब एसिडिक होंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वैनेडियम के ऑक्साइड गिवन है तो यहाँ पे वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो पहले ये बेसिक होगा आपका नेचर में, राइट, और धीरे धीरे एम्फोटेरिक करेक्टर आएगा तो ये एम्फोटेरिक तक आपका रुक जाएगा। वैसे बाय द वे इसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, राइट, तो कुछ लोग एम्फोटेरिक मानते हैं, कुछ लोग एसिडिक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एसिडिक या एम्फोटेरिक दोनों कंसिडर कर सकते हैं। और ये तो एम्फोटेरिक हो गई, वैसे ही ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेस है, तो बेसिक ये वाला आपका एम्फोटेरिक है, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी, और इसमें +6 है तो ये एसिडिक होगा। तो ये कहने का ये पॉइंट है कि स्टार्टिंग के जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो बेसिक होंगे, मिडिल वाले एम्फोटेरिक होंगे, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो एसिडिक होंगे। उसी से एक और पॉइंट है कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट में होने का मतलब आप उससे आगे नहीं जा सकता है, तो बैक ही आ सकता है, तो रिड्यूस हो सकता है, इसलिए वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि लोएस्ट में तो उससे पीछे नहीं जा सकता, आगे आ सकता है, डेट मीन्स ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अगर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो दोनों का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों का। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रिक के पॉइंट नंबर 4 में डी ब्लॉक में 3D सीरीज में जिंक आपका और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान देना जिंक किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या मेटेलिक फॉर्म में, और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होता है नेचर में, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी, ओके, डैट मीन्स जब इस पे जिंक पे एसिड या बेस ऐड करोगे तो दोनों से रिएक्शन होगी, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसके कंपाउंड में, तभी वो एम्फोटेरिक का काम करेगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो मैंगनीज के ऑक्साइड है Mn2O7, तो उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 मैंगनीज और 7 ऑक्सीजन है, राइट, पार्शियलिटी नहीं करना है, इक्वल में डिवाइड करना है, तो 3-3 ऑक्सीजन दोनों को दे दो और एक ऑक्सीजन बीच में कर दो, तो ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हो, 4σ0 लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसलिए इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें और क्या पूछा जा सकता है, कितने MnO Mn बॉन्ड है, तो एक है, ये ब्रिज ऑक्सीजन हो गया।
इसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछा गया या पूछा जा सकता है, तो यूनो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब मैग्नीज ने s और p यूज कर लिया, तो जो भी पाई बॉन्ड बना है ये वाले या ये वाले या ये वाले, ये सब किससे बने, d से, तो ऑक्सीजन का p यूज होगा और मैग्नीज का d, तो ये मैग्नीज पी पाई डी पाई कितना बनाया है, 3, ये मैग्नीज भी कितना बनाएगा, 3, टोटल पूछा जाए तो 6 हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं एटसेट्रा, ये सब पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में देना है कि मैग्नीज टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है, 7, लेकिन सिग्मा मैक्सिमम जो बना सकता है मैग्नीज वो 4 ही बना सकता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, 4 सिग्मा, इसलिए MnF4 तो एग्जिस्ट होता है, MnF7 नहीं बनता है। इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, मैग्नीज फ्लोराइड में अगर बात करें तो सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से MnF4 तक एग्जिस्ट होता है, MnF5, MnF6, MnF7 ये सब एग्जिस्ट नहीं होता है। बट वहीं पे क्रोमियम जो है वो 6 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, इसलिए CrF6 एग्जिस्ट होते हैं। वेनेडियम 5 बना सकता है, तो VF5, तो डेट मीन्स 3D सीरीज में मैक्सिमम सिग्मा क्रोमियम बना सकता है और उसके बाद वेनेडियम, तब मैंगनीज का नंबर आता है। बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे सिग्मा एंड पाई मिला करके, तो मैंगनीज 7 तक बनाता है। एंड लास्ट पॉइंट कि 3D सीरीज में सारे के सारे MO बनाते हैं, MO मतलब मेटल के ऑक्साइड, इस फॉर्म में 1:1, 1:1 वाले सभी बनाते हैं एक्सेप्ट एक्सकेंडियम, डैट मीन्स SCO एग्जिस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, SCO एग्जिस्ट नहीं होता है। ZNO मिल जाएगा, VO मिल जाएगा, MNO, CRO सब के रेस्ट ऑफ द 9 एलिमेंट के मिल जाएंगे मोनो ऑक्साइड, बट एक्सकेंडियम का नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक का पॉइंट। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड पूछा गया है, तो वी नो कि जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, या फिर उल्टा जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे वेनेडियम आपका +3 में, राइट, यहाँ पे वेनेडियम आपका +4 में, और यहाँ पे वेनेडियम आपका +5 में, तो यू नो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए ज़्यादा बेसिक, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एंड उससे कम। इसी पे बेस एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये वेनेडियम के ऑक्साइड गिवन थे, इनमें मोस्ट बेसिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो विनो की मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, V2O3, जिसमें वेनेडियम किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो आपको बता रखा हूँ कि इसके S में 2 और D में 3 हैं, तो वेनेडियम +3 मतलब S से 2 निकल जाएंगे और D से 1, तो बचेगा कितना, D में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही के दोनों अनपेयर्ड, तो इसलिए म्यू कितना हो जाएगा, 2 point something, राइट, नियरेस्ट इंटीजर में 2.78 भी अगर लिया तो नियरेस्ट इंटीजर में म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ MN डबल बॉन्ड O इन MN2O7, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बता रखा हूँ, 7 हैं, 2 मैग्नीज हैं, पार्शियलिटी नहीं करना है, इक्वल डिवाइड कर देना है, तो MN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन बीच में, फिर इधर भी सेम, तो आप देख सकते हो कितने MN डबल बॉन्ड हो गया, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के नेचर पूछे गए, तो V2O3 में वेनेडियम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेसिक, और क्रोमियम भी लो इसमें, तो इसमें भी ये हो जाएगा बेसिक। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इसलिए CrO, Cr2O3, Cr3 वाला जो होगा वो एसिडिक होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली इसके बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे वेनेडियम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, VO+2, SO4 पे -2, तो यहाँ पे वेनेडियम +4 में, राइट, इसका मैक्सिमम कितना होता है, +5, तो इसका मतलब ये अभी और आगे जा सकता है, तो जा सकता है, तो कैसे जा सकता है, ऑक्सीडाइज होकर के, तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्रोमियम यहाँ पे +3 में, तो ये एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, राइट, ये सब आपको ट्रिक में पॉइंट दे रखा हूँ। यहाँ पे RU का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8 आएगा, जो कि डी ब्लॉक में हाईएस्ट है और इसी का है, तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मेटल एसिड या बेस से रिएक्शन करने पे H2 दे रहा है, तो ये कौन हो सकता है, एम्फोटेरिक वाले, और कौन होते हैं, जिंक या क्रोमियम +3, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे रिएक्शन गिवन थे कि ZnO Na2O Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट, ZnO CO2 जिंक कार्बोनेट, तो इसमें ZnO किसका काम कर रहा है, तो ये मेटल के ऑक्साइड है, तो ये बेस हो गया, राइट, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले में ZnO एसिड का काम करेगा, राइट,
और दूसरे वाले में ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो ये एसिड होंगे, तो यहाँ पे ZnO एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से बेस का काम करेगा। तो पहले वाले रिएक्शन में एसिड का कर रहा है ये और दूसरे वाले में बेस का, तो एसिड बेस ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कि इसमें कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, यहाँ पे वो कन्फ्यूज होते हैं। बोरॉन भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है राइट, मेटोलाइट के सेंस में, बट यहाँ पे पूछने का जो उसका मेन पर्पस है कि मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि मेटलॉइड तो एम्फोटेरिक होंगे डेट इज ओके, वो तो अपने नेचर की वजह से है, लेकिन मेटल हो गया है तो इसलिए उस पर वो स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन डी आप टिक करके आएंगे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम हमने लिए थे ये सब PYQ थे, देखो आपको उस ट्रिक से बहुत इजीली बन जाएंगे। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर वन ये है कि जो 12th ग्रुप वाले हैं डी ब्लॉक में, डेट इज जिंक, कैडमियम और मरकरी, जैनब कनाडा होगी से आपको याद करवाया था, ये सबको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है ट्रांजिशन नहीं, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के लिए उसके डी सबशेल में कम से कम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए या कोई एक घर खाली होना चाहिए। यहाँ पे इसका मेटल ले लो आप ये सब का, या फिर आयन ले लो मेटालिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, इन सब में डी में 10 होगा, डी पूरा फुल फिल्ड होगा, कहीं पे भी हाफ फिल्ड नहीं होगा या फिर कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीन आयन, साइनाइड आयन, आयोडाइड आयन और थायोसल्फेट आयन, ये तीनों एनायन अगर होंगे तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। याद कैसे रखेंगे? साइना आई थी क्यों, डैट मीन्स कॉपर प्लस 2 को ये कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट कर देता है। इन तीनों एनायन होंगे तो कॉपर प्लस 1 में बनाना, डैट मीन्स Cu2I2 बनेगा। इस पॉइंट पे ध्यान देना, कभी भी Cu2I2 एग्जिस्ट नहीं होगा। वैसे ही साइनाइड होगा तो Cu2CN2 बनेगा, या फिर थायोसल्फेट होगा तो Cu2H2O3 बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना, ये तीनों एनायन होंगे तो कॉपर प्लस 2 की जगह प्लस 1 में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो इसको रिड्यूस कर देगा ये। एंड पॉइंट नंबर 4 डैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि डी ब्लॉक के जितने भी मेटेलिक क्रिस्टल हैं उसमें बहुत सारी खाली जगह होती हैं जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोलते हैं, नॉन स्टॉइकोमेट्रिक होता है, जो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे भी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है उस क्रिस्टल पे कि वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले हो जाते हैं, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली जगह भर गई है राइट। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हार्ड हो जाएंगे और केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, इन द सेंस कि अब खाली जगह बची नहीं रिएक्ट करने के लिए, सब भर गया तो इसलिए ये अब रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, बट मेटेलिक कंडक्टिविटी इसकी रिटेन रहेगी, ये मेटेलिक कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट इज कि अगर साइज वर्सेज एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ करें तो वी नो लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर स्लाइटली इंक्रीज होता है राइट। और 3D से बड़ा साइज 4D का होगा और 4D 5D अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और अगर 3D सीरीज एलिमेंट का हमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर याद रखना हो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कैसे याद रखेंगे? सिंपल इस निमोनिक से, सचिन तेंदुलकर जिंदगी में वो कर दिया फिर कोई नहीं किया। विनो की सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दिया राइट, जो आप कोई नहीं किया तो उससे याद रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जिंदगी में वो कर दिया फिर कोई नहीं किया, तो इससे आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर याद हो जाएगा। और नेक्स्ट डैट इज लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कि एलम भी फॉर्म होते हैं राइट, तो एलम का जो जनरल फार्मूला है वो M2SO4, क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है, तो यहाँ पे जो M लेना है वो मोनोवेलेंट कैटायन लेना है राइट। और M-2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे जो M- है वो ट्राईवेलेंट कैटायन, डैट मीन्स डाईवेलेंट कैटायन एलम नहीं बनाते हैं, इसलिए S ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप वाले कभी भी एलम नहीं बना सकते। और फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है? सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, डैट मीन्स लिथियम नहीं बना सकता। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि 1+1 मोनोवेलेंट कैटायन होंगे और 1+3 ट्राईवेलेंट कैटायन होंगे, और 24 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, तो ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। नाउ एक एग्जांपल जैसे ध्यान से देखो, अगर मैंने अमोनियम लिया तो ये हो गया
NH4 होल टू SO4, इसमें से कोई कैटान ले लो आप, सपोज करो Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये एक एलम का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही पोटाश एलम सब लोग जानते हैं, तो पोटाश मतलब पोटेशियम लेना एक, तो K2SO4 उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसी को बोलते हैं पोटाश एलम या फिटकरी, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हम कैसे याद रखेंगे, तो रफी सर के पास ट्रिक है, कैसे याद रखोगे ध्यान से देखो, पहले वाले को अमीना, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो क्या बनाऊंगा, अमीना कब्र से बोली, कब्र से बोली इज द कनेक्टिंग वर्ड। तो ये पहले पांच कैटायन को जो मोनोवेलेंट है उसको कैसे याद रखेंगे, अमीना कब्र से बोली, क्या बोली, तो नेक्स्ट वाले को इनसे बना लेंगे, फिलहाल कोई गाकर, ये गा लिखा हुआ है, गाकर मनाए, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, अमीना कब्र से बोली फिलहाल कोई गाकर मनाए। तो ये पांच मोनोवेलेंट कैटायन और ये पांच ट्राइवेलेंट कैटायन यही बनाते हैं एलम, जनरल फॉर्मूला, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्या नाम हो जाएगा, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री लगे एकदम ईजी। थैंक यू।